Hello students, good morning, how are you all? All are fine, okay, very good, I am also fine. I am your Nancy ma'am English class ke saath. तो बच्चों लास्ट क्लास में आप राइट प्लूरल कर रहे थे, है ना? तो मेरी वीडियो को आपने कितनी बार देखा? ओनली वन टाइम कि टू टाइम? ओ आपको लर्न हो गया एक ही बार में, वेरी गुड. तो बच्चों उसको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा विद स्पेलिंग, ठीक है, मुंह से बोल बोल करके. अगर नहीं लर्न हो रहा है तो मेरी वीडियो कई बार देखो, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है. और मुंह से बोल बोल करके आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बच्चों. तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू, समथिंग न्यू. क्या पढ़ेंगे बच्चों? यस बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड्स. क्या पढ़ेंगे? अपोजिट वर्ड्स. अपोजिट का मतलब होता है बच्चों उल्टा. क्या होता है? उल्टा. जैसे मैं इस साइड बैठी हूं तो आप क्या होगा? जैसे फ्रंट बैक, क्या हो गया? आप मुझे सामने से देख रहे हो तो मेरा क्या है? ये फेस है, ठीक है. तो फ्रंट का क्या होता है? अपोजिट बैक साइड. तो क्या आप मेरा फेस देख सकते हो? नहीं. तो जब तक मैं टर्न नहीं करूंगी तब तक आप मेरा फेस नहीं देख सकते हो. तो बच्चों अपोजिट का मतलब होता है आपका जस्ट उल्टा, ठीक है. जैसे हिंदी में मैं आपको बता रही हूं दिन, तो दिन का क्या हो जाएगा? रात, यानी कि डे नाइट. एक एग्जाम्पल है बच्चों ये, ठीक है. अब आप इसको देखो, पहले वन साइड देखो आप. ये क्या है बच्चों? एक जिराफ की फोटो है. और ये क्या है बच्चों? टॉल. क्या है बच्चों? टॉल. टॉल इट मीन्स लंबा, बड़ा. टॉल इट मीन्स बड़ा. तो बड़ा का क्या हो जाएगा बच्चों? शॉर्ट. क्या हो जाएगा? शॉर्ट, यानी कि छोटा. क्या होगा? छोटा. तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, ठीक है. ये हो गया टॉल, ये हो गया शॉर्ट, ठीक. अनदर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं बच्चों, इसको एंटोनिम्स भी बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स को. यहां पर भी है. अब यहां पर आप देख सकते हो इसका नाम मैंने नहीं लिखा है. ये बच्चों आपका क्या है? फायर. क्या है? आग, ठीक है. फायर है, आग है. तो ये फायर हो गया यानी कि हॉट. और हॉट फायर कैसा होता है? गर्म. आग जो है आपका हिंदी में आग बोलेंगे, इंग्लिश में फायर. तो ये क्या है बच्चों? ये बहुत ही हॉट होता है. तो हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? कोल्ड. क्या हो जाएगा बच्चों? कोल्ड. इसको मैं फोल्ड करके मैं आपको दिखा देती हूँ. कोल्ड. क्या आइसक्रीम बहुत आप हॉट हॉट खाते हो? नहीं ना. तो ये है बच्चों आपका कोल्ड, यानी कि आइसक्रीम की फोटो. तो ये हो गया बच्चों आपका हॉट और ये हो गया बच्चों आपका कोल्ड, ठीक है. तो बच्चों मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उसको मैं ब्लैक बोर्ड में लिख दी हूं. तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं विद पिक्चर, इसके बाद मैं आपसे मैं पूछूंगी क्या है, फिर हम लोग कॉपी वर्क करेंगे, ठीक है. तो आपको मेरी वीडियो में ही आपको लर्न हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना बच्चों. तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं बच्चों. मैंने यहाँ पर लिख रखा है अपोजिट वर्ड, ठीक है. अपोजिट इट मीन उल्टा. स्पेलिंग में पढ़ते रही हूँ, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई अपोजिट डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड, ठीक है. आज की डेट आपको लगानी है W25251222, ठीक है. अब यहाँ पर बच्चों बी आई जी बिग. क्या बच्चों? बी आई जी बिग. और बिग का मतलब, बिग मतलब क्या होता है? बड़ा. बिग मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा. तो बड़ा का क्या हो जाएगा बच्चों आपको? बिग एलिफेंट. तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिग. और ये क्या होगा? बिग का क्या हो गया? छोटा. बिग इट मीन्स बड़ा और स्मॉल इट मीन्स छोटा, छोटा सा. बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है. तो बिग और स्मॉल का एक पिक्चर देख लीजिए आप. क्या है बिग और स्मॉल का पिक्चर? तो बिग इट मीन्स यहाँ पर आपको पिक्चर में एलिफेंट दिया गया है ना बच्चों. तो ये है बच्चों आपका एलिफेंट, यानी कि बिग एलिफेंट के नीचे में लिखा है. और बगल में आपको एक रैट की पिक्चर है, ठीक है. और रैट क्या है आपकी? स्मॉल है. क्या है बच्चों? स्मॉल, ठीक है. तो बिग और स्मॉल की पिक्चर आपने देख लिया अच्छी तरह से. ओके बच्चों, नेक्स्ट पढ़े बच्चों आपका डी ए वाई डे. क्या बच्चों? डी ए वाई डे. तो डे मीन्स क्या होता है? दिन. डे मीन्स सुबह.
अभी क्या है आपका डे, इट मीन्स सुबह है, मॉर्निंग टाइम है, ठीक है डे। तो दिन का क्या होता है बच्चों, रात, यानी कि नाइट। जब आपके क्या होते हैं स्टार मून सारे निकल आते हैं तब क्या होता है नाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपके नाइट, और डे भी क्या होता है सन दिखाई देता है। क्या सन आपको रात में दिखता है, नाइट के टाइम में दिखता है? नहीं दिखता। रात में आप सो जाते हो गुड नाइट बोल करके, और दिन में क्या बोलते हो गुड मॉर्निंग। तो बच्चों डे और नाइट मतलब जस्ट अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस करके बनाया है, आपको भी क्रॉस करके ही लिखना है। अपोजिट का मतलब ये होता है उल्टा, ठीक है। तो डे इट मीन्स नाइट। तो एग्जाम में बच्चों मैं इस साइड पे दूंगी और आपको इस साइड का लर्न करके आपको स्पेलिंग के साथ लिखनी है। तो डे देखिए कैसे सूरज निकली हुई है, पिक्चर में देखिए बच्चों डे में कैसे आपको सन की फोटो दी गई है, और नाइट में देखिए कितनी प्यारे प्यारे दो स्टार है और कितने प्यारे से मून की फोटो है जो सो रहा है ना। तो ये हो गया बच्चों डे और नाइट का पिक, ठीक है, क्लियर हुआ डे और नाइट। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका HOT हॉट। क्या बच्चों HOT हॉट, हॉट इट मीन्स होता है बहुत ही गर्म, हॉट इट मीन्स क्या होता है बच्चों बहुत ही गर्म। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हॉट का मतलब आप पी नहीं पाओगे, आपके जो टंग है जीभ वो जल जाएंगे, ठीक है। तो हॉट मीन्स बहुत गर्म, जैसे आप टच करोगे हाथ हटा लोगे बहुत गर्म है, ठीक है। और जितना गर्म है उसका अपोजिट क्या होगा कोल्ड, COLD कोल्ड, कोल्ड इट मीन्स ठंडा। अभी क्या है बहुत हॉट है, समर डे है ना, क्या है विंटर डे, विंटर डेज में क्या होता है आपको बहुत ही ठंड लगती है, कोल्ड है, ठीक है। तो हॉट में आप एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों, मैं आपको दिखा दे रही हूँ हॉट और कोल्ड के पिक। तो हॉट में यहाँ पे दे रही हूँ एक कप की फोटो, ठीक है, जिसमें क्या है जो उसमें बहुत गर्म है ना हॉट है, तो उसमें आपको इस बाहर से स्टीम निकलती दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये है आपकी हॉट की पिक, और कोल्ड की पिक आप देख सकते हो बच्चों आइसक्रीम की फोटो दिखाई दे रहा है, आइसक्रीम की फोटो। तो हॉट और कोल्ड तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, हॉट इट मीन्स गर्म यानी कि जो आप देख रहे हो फोटो में, और कोल्ड इट मीन्स आइसक्रीम की फोटो जो कि बहुत ही ठंडा होता है। आइसक्रीम क्या होता है ठंडा, अगर वो हॉट होगा तो क्या होगा मेल्ट हो जाएगा, फिर आप खा नहीं पाओगे, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट वन हम देखते हैं बच्चों FAT फैट। क्या बच्चों FAT फैट, फैट इट मीन्स क्या होता है, फैट इट मीन्स मोटा, फैट इट मीन्स क्या होता है बच्चों मोटा, बहुत ही मोटा, ठीक है। तो फैट और फैट का अपोजिट क्या होगा थिन, एकदम पतला सा, हाँ आप उसको जब ऐसे फूकोगे तो वो उड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि थिन का मतलब होता है बहुत ही पतला, ट्रांसपेरेंट टाइप का एकदम पतला, ठीक है। तो बहुत आप देखे होंगे कि वो बहुत ही मोटा है तो एक बहुत ही पतला सा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसकी फोटो देखते हैं। तो ये बच्चों FAT फैट, और फैट का अपोजिट होता है थिन, क्या होता है बच्चों थिन, THIN थिन, क्या होता है बच्चों THIN थिन। तो चलिए हम लोग थिन का और फैट दोनों का पिक्चर देखते हैं। ये देखो बच्चों ये है फैट की पिक जो कि बहुत ही मोटा सा है, कैसे देख रहा है उसको, है ना। और थिन का देखो कैसे वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है और फैट को दिखा रहा है कि आई एम थिन, देखो तुम कितने मोटे हो, ठीक है। तो THIN थिन, तो फैट और थिन आपको दोनों पिक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों। ओके नेक्स्ट वन है बच्चों आपका फाइव नंबर ब्लैक, BLACK ब्लैक, ब्लैक मीन्स होता है बच्चों काला। आपके हेयर कैसे हैं, व्हाइट या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन या फिर रेड, तो आपके हेयर जो है वो क्या है ब्लैक कलर, ब्लैक इट मीन्स होता है काला, क्या होता है बच्चों ब्लैक इट मीन्स काला। तो ब्लैक का अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली गोरा या फिर सफेद, व्हाइट कलर। तो ब्लैक और व्हाइट आप जानते हो, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट पहले टीवी भी होती थी और मूवीज वगैरह जो भी थे ब्लैक एंड व्हाइट ही रहते थे, ठीक है, कोई कलरफुल नहीं होते थे। कलरफुल यानी कि उसमें कलर लगे हुए हैं, ठीक है, रेड ग्रीन येलो सारी चीज एटसेट्रा, ठीक है, मल्टी कलर। लेकिन ब्लैक और व्हाइट यानी कि सिंपल कलर है, ब्लैक इट मीन्स वेरी डार्क ब्लैक कलर,
और व्हाइट क्या हो गया आपकी सफेद, यानी कि व्हाइट। ठीक, तो यहां पर हो गया ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक, और व्हाइट इस वाली क्या हो गई डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट। व्हाइट मीन्स होता है सफेद या फिर गोरा। ठीक है, तो चलिए इसलिए हम लोग फोटो देखते हैं। तो पिंक है बच्चों, व्हाइट में टेडी बियर देख रहे हो, कैसे व्हाइट है इसमें कलर नहीं है। जैसे आपको एग्जाम में अगर कोई फोटो मिलेगा उसको कलर करने के लिए, तो कलर करने के लिए मिलेगा ना, तो वो क्या है व्हाइट है। ठीक है, अब जब आप कलर कर दोगे तो क्या करोगे ब्लैक कलर से, वो देखो जब आप ब्लैक कलर यूज करोगे तो कैसे हो जाएंगे इसके टेडी बियर ब्लैक टेडी बियर, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड आपके ब्लैक व्हाइट है और इस साइड क्या आपके ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक मीन्स बहुत ही डार्क कलर, अंधेरा जिसको कहते हैं। ब्लैक क्या होता है बच्चों, अंधेरा डार्क। जब रात हो जाती है, लाइट कट जाती है, कहीं से आपको कुछ भी नहीं दिखता, वो क्या है बहुत ही डार्क अंधेरा ब्लैक हो जाता है एकदम। ठीक है, डार्क कुछ नहीं दिखता। ठीक है, ये अपोजिट क्या हो गया ब्लैक का व्हाइट। ओके, हम नेक्स्ट वन देखिए, पिक्चर देख लिया आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों एस आई टी सिट। क्या बच्चों एस आई टी सिट, अब सिट का मतलब होता है क्लास में जब आप आते हो तो क्या बोलती हूँ ऑल ऑफ यू सिट डाउन, तो आप क्या कहते हो थैंक यू मैम, बोल के बैठ जाते हो। ठीक है, सिट डाउन, सिट 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 इसका मतलब कि बैठना। और अभी मैं आपके सामने क्या हूं, लेट गई हूं नहीं, बैठ गई हूं नहीं, या फिर जंप कर रही हूं नहीं, दौड़ रही हूँ, रन कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ स्टैंड, यानी कि खड़ी हूँ। तो सिट का क्या होता है बच्चों स्टैंड, सिट का क्या होता है स्टैंड, यानी कि खड़े हो जाना। ठीक है, तो सिट डाउन स्टैंड अप, मैं हमेशा आप लोग क्या करते हो स्टैंड होकर के विश करते हो गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग मैम, तो क्या करते हो स्टैंड होकर के बोलते हो, या फिर सोए सोए बोलते हो गुड मॉर्निंग मैम सिट डाउन ऐसे बोलते हो, नहीं ना, तो स्टैंड होकर के बोलते हो, स्टैंड अप होकर के बोलते हो। तो स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना और सिट का मतलब होता है बैठ जाना। ठीक है ना बच्चों, तो आप यहां पर एक फोटो देख सकते हो, मैं आपको पहले से पहले पढ़ा दूं, एस आई टी सिट, एस आई टी सिट, और स्टैंड क्या होगा एस टी ए एन डी स्टैंड, क्या है पढ़िए मेरे साथ साथ एस टी ए एन डी स्टैंड, स्टैंड इट मीन्स खड़े होना। तो चलिए हम लोग पहले पिक देखते हैं, देखो एक येलो कलर का टी शर्ट पहने हुए एक लड़की है जो कि बेंच में कैसे बैठी हुई है, दिख रहा है बच्चों। ओके, तो ये है बच्चों आपका सिट की फोटो। अनदर साइड में दूसरे साइड में एक रेड कलर का फ्रॉक यानी कि गाउन पहने हुई लड़की है, ठीक है, वो खड़ी है, तो वो हो गया बच्चों स्टैंड, जो आपके रेड कलर का जो गाउन पहनी हुई है प्रीति सी है प्रीति गर्ल, वो है बच्चों आपके स्टैंड। तो सिट का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों स्टैंड। ठीक है, देख लिया पिक्चर आपने, ओके वेरी गुड, आप बहुत स्मार्ट हो, पहले ही देख लेते हो। ओके, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे सिट स्टैंड। ओके ओके, नेक्स्ट वन है बच्चों आई एम इन, और इसका अपोजिट क्या हो गया ओ यू टी आउट, इन का मतलब होता है बच्चों अंदर, अंदर एक पिन छुपा कर रखना है, ये इन है, और बाहर निकाल देना इट मीन्स आउट। जैसे आप क्लास में बोलते हो क्या बोलते हो मे आई कम इन, कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम, आप बोलते हो ना मे आई कम इन, इन यानी कि अंदर आना, और मैं क्या बोलती हूँ गेट आउट, जब आप क्लास में बात करते हो क्या बोलती हूँ गेट आउट, बाहर जाओ, आउट इट मीन्स बाहर, इन इट मीन्स अंदर, यानी कि ये जो आप क्लासरूम के अंदर में बैठते हो ये हो जाएगा आपका इन, और क्लासरूम के बाहर अगर आप खड़े रहते हो तो ये हो जाता है आपका आउटसाइड, यानी कि जब आप घर के अंदर में होते हो तो आपको ठंड नहीं लगती, तो जब आप घर के अंदर होते हो बच्चों तो वो हो गया आपका इन, और घर से बाहर जब आप निकलते हो कोई सामान लाने के लिए या फिर स्कूल के लिए निकलते हो तो वो हो जाता है आपका आउटसाइड। ठीक है, तो बाहर से भी अपने घर को देख लो, घर के अंदर से भी देख लो, तो घर के अंदर हो गया आपका इन, घर के बाहर हो गया आपका आउट। तो चलिए हम लोग दोनों ही पिक्चर देख लेते हैं अच्छी तरह से, इन और आउट की पिक। तो ये है बच्चों आई एम इन, और ये हो गया ओ यू टी आउट। तो पहले आप इनकी फोटो देखिए, एक सुंदर सा घर है, ब्यूटीफुल सा घर, बिल्कुल आपके घर की तरह। तो देखिए इस घर में क्या है,
आपके टेबल है, सोफा है ना बच्चों, और फ्रेम है, बुक्स है, तो विंडो वगैरह सब दिख रहे हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह है एटसेट्रा। तो घर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ये हो गया बच्चों इन, तो आप फोटो के ऊपर में आपको लिखा हुआ भी है आई एन इन, दिख रहा है ना बच्चों। ओके बच्चों, अब आउट की पिक्चर क्या हो गई, चलिए देख लीजिए नेक्स्ट पिक्चर में। ओके बच्चों, ये है ओ यू टी आउट, आउटसाइड में लिखा हुआ ओ यू टी आउट, और आउट में क्या है, कितना सुंदर सा कलर है, ऑरेंज कलर का घर कितना बड़ा है ना, बहुत सुंदर है। तो ये हो गया बच्चों आउट, यानी कि घर के बाहर से जब आप देखोगे, यानी कि घर के बाहर रहोगे, तो ये हो जाएगा आपका आउट, ठीक है, आउट ऑफ दिस हाउस, यानी कि घर के बाहर की पिक्चर। ओके, तो इन और आउट आपको समझ में आ गया बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन और लास्ट वन पढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर है आपका यूपी अप, नेक्स्ट लास्ट वन देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है मैं यहाँ हूँ, यूपी अप, एक नंबर में देखिए यूपी अप, अप मतलब होता है ऊपर, और डी ओ डब्ल्यू एन डाउन इसका मतलब होता है नीचे, अप एंड डाउन, क्या है अप एंड डाउन, डाउन इट मींस नीचे, अप ऊपर, डाउन नीचे, एक तरह से सिट, अप हो गया ऊपर यानी कि स्टैंड वाला, सिट यानी कि हो गया डाउन, सिट डाउन बोलती हूँ हम लोग, क्या बोलते हैं सिट डाउन, नीचे बैठना है, स्टैंड के साथ क्या बोलती हूँ अप, क्या बोलती हूँ स्टैंड अप, यानी कि खड़े होना है ऊपर, तो अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो चलिए मेरे पास एक पिक्चर भी है, तो आपको गेम में समझ में भी आ जाएगा कि कौन अप है कौन डाउन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पिक्चर देखते हैं, ये हो गया अप और ये हो गया डाउन। तो पिक्चर देखिए कैसे प्यारा सा बच्चा जो है बॉय, वो कैसा है, अप है कि डाउन है, यस बच्चों बॉय जो है लड़का वो है यूपी अप, ठीक है, और जो गर्ल है वो क्या है डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, यानी कि नीचे है, ठीक है। वो जो गेम खेल रही है ना सीसॉ वाला, तो उसमें क्या है ये जो झूला है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है अप डाउन, यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है, क्या हो रहा है लड़का का किधर गया है ऊपर की ओर, और लड़की कहाँ है नीचे की ओर। तो ये हो गया बच्चों गर्ल हो गई डाउन और लड़का हो गया अप, तो पिक्चर देख लिए अप एंड डाउन की पिक्चर। ओके बच्चों, तो अप एक कहावत भी फ्रेज है अप्स एंड डाउन, यानी कि क्या होता है आपकी लाइफ में ऊंचा नीचा ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपके क्या हो गई अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो एक बार फिर से आप, मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कॉपी वर्क करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे पीछे पीछे बोलना है बिग स्मॉल, वंस अगेन फिर से बोलना है बिग, जोर से बोलिए सुनाई नहीं दे रहा, स्मॉल बिग स्मॉल, डे नाइट, वंस अगेन डे नाइट, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, फैट थिन, फैट थिन, ब्लैक व्हाइट, सिट स्टैंड, सिट स्टैंड, इन आउट, इन आउट, अप डाउन, अप डाउन। तो बच्चों आपने देख लिया, तो चलिए यही क्या है आपका होमवर्क है, तो हम लोग लेट नहीं करेंगे, इसका होमवर्क जरूर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से लर्न हो सके। तो ये हो गया बच्चों आपका एच डब्ल्यू 2525 1 2 2 22, और होमवर्क क्या हो गया आपके एस ए एम ई सेम। तो बच्चों आप जितना लिखोगे, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आप जितना लिखोगे वो भी खूब जोर जोर से बोल बोल करके, तो आपको उतना ही जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। और नहीं लर्न होता है तो मेरी वीडियो कई बार देखो, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, पिक्चर के साथ ही आपको समझ में आ भी जाएगा। तो बच्चों यही है आपका क्लास वर्क और यही है बच्चों आपका होमवर्क, तो लेट नहीं कीजिए बच्चों, जल्दी से जाइए अपनी कॉपी पेंसिल इरेजर शॉर्पनर लेकर के मेरे सामने
बैठ जाइए, मैं भी जा रही हूँ अपनी कॉपी निकालने ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है ना बच्चों? स्टूडेंट्स आप आई होप कि आपने अपनी कॉपी निकाल ली है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आज की डेट लगानी है एज यूजुअल। ये है आपका अपोजिट वर्ड्स, ठीक है? क्या है बच्चों अपोजिट वर्ड्स? तो यहाँ पर पहला क्या है, बी आई जी, बिग। तो आपने अभी जस्ट पिक्चर में भी देखा है कि बिग का क्या होता है बच्चों, स्मॉल यानी कि छोटा, एस एम ए डबल एल स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका डी ए वाई, डे, डे इट मीन्स दिन, और इसका अपोजिट क्या होता है, एन आई जी एच टी, नाइट यानी कि रात। आपने पिक्चर्स में भी देखा है ना बच्चों, तो ये है नाइट। थर्ड नंबर है बच्चों आपका हॉट, एच ओ टी, हॉट, और हॉट का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड, इट मीन्स ठंडा। आइसक्रीम देखा था ना पिक्चर आपने, सी ओ एल डी, कोल्ड, कोल्ड की पिक्चर है, ठीक। ये आपका फोर्थ नंबर फैट, फैट इट मीन्स मोटा, और फैट का क्या होता है, पतला यानी कि थिन, टी एच आई एन, थिन। नेक्स्ट वन है आपका बच्चों ब्लैक, बी एल ए सी के, ब्लैक, ठीक है, और ब्लैक इट मीन्स काला, तो ब्लैक का क्या होगा, वाइट, वाइट इट मीन्स गोरा यानी कि सफ़ेद, ठीक। सिक्स नंबर है एस आई टी, सिट, सिट इट मीन्स बैठना, और बैठने का क्या होता है, यस बच्चों एस टी ए एन डी, स्टैंड, इट मीन्स खड़े हो जाना, ठीक है। सेवन नंबर है आपका इन, इट मीन्स अंदर, जैसे आपने एक रूम की फोटो देखा था ना, इन इट मीन्स अंदर, और ओ यू टी आउट, आउट इट मीन्स बाहर, तो आपने घर के बाहर का भी पिक्चर देखा था, इन और आउट। एट नंबर है आपका यू पी अप, अप इट मीन्स ऊपर, और डाउन इट मीन्स नीचे, तो आपने सीसा वाला गेम देखा है ना, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन, तो ये क्या हो जाता है, अप एंड डाउन। तो बच्चों ये है आपका कॉपी वर्क अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो आपको ऐसे ही 1 to 8 तक आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास में, आप ऐसे ही होमवर्क कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास में। बच्चों देख लिया आपने कॉपी वर्क कैसे लिखी हूं मैं, 4 लाइन में कैसे लिखना है, तो स्मॉल लेटर में ही आप लिखिएगा, मतलब नीट एंड क्लीन लिखना है, कर्सिव लेटर में ही, ऑलवेज राइट कर्सिव लेटर, ठीक है ना बच्चों। कर्सिव लेटर में लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि बस ये यूकेजी के लिए है, आप जैसे जैसे ऊपर क्लास जाओगे आपको कर्सिव लेटर की प्रैक्टिस और अच्छे से करनी है, ताकि आपकी राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल सा लगे, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैंने लिखा है बिल्कुल आप वैसे ही लिखो, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट टाइम में आपको फिर से पिक्चर दिखा दूं, ताकि आपको याद रहे कि क्या है आपने पढ़ा है। तो पहला आपने क्या पढ़ा था बच्चों, ये पढ़ा था बिग एंड स्मॉल की पिक, दिखाई दे रहा है बिग और स्मॉल यानी कि एलिफेंट और क्या है रैट की फोटो, पढ़ लिया बच्चों, देख लिया बिग एंड स्मॉल। नेक्स्ट वन आपने क्या देखा है, ये डे एंड नाइट, दिखाई दे रहा बच्चों डे एंड नाइट की फोटो, मुझे तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है, यस बच्चों डे और नाइट की फोटो है, तो ये हो गया आपका डे और नाइट, ओके। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका, दो फोटो है अलग अलग दिखाऊं, ये बच्चों कप और हॉट की फोटो जो आपने अभी जस्ट देखा, ये मेरे पास पिक भी है, एच ओ टी हॉट, ठीक है। तो हॉट का क्या हो जाएगा, आइसक्रीम वाला, कोल्ड, ठीक है ना, हाँ सी ओ एल डी, कोल्ड, तो ये हो गया बच्चों सी ओ एल डी, कोल्ड यानी कि आइसक्रीम की पिक, ठीक है ना बच्चों, दिखाई दे रही है, ओके वेरी गुड। तो हॉट का क्या हो जाएगा बच्चों, कोल्ड, और ये देखिए नेक्स्ट वन फैट है, फैट का क्या हो गया बच्चों, थिन, तो आप देख भी लीजिए एक बार फैट का क्या हो गया बच्चों, थिन, कैसे मोटा है और कैसे पतला वाला लगता है, दिख रहा है ना फैट का थिन। नेक्स्ट वन आपको मैं दिखा देती हूँ बच्चों, ये है आपका व्हाइट और ब्लैक, दिखाई दे रहा है व्हाइट और ब्लैक, ये वाला हो गया व्हाइट और ये इधर वाला क्या हो गया आपका ब्लैक, तो व्हाइट और ब्लैक की फोटो देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका ये सिट और स्टैंड, दिखाई दे रहा है बच्चों सिट और स्टैंड की फोटो, कैसे वो बैठी हुई है और जो प्रिटी गर्ल है वो कैसे खड़ी है स्टैंड होकर के, तो ये हो गया बच्चों आपका सिट और स्टैंड की फोटो, ठीक है। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका, ये है आपका इन, ये देखिए ब्यूटीफुल सा हाउस,
ये हो गया बच्चों आपका इन, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ भी है आई एन इन, दिख रहा है, तो ये अलग अलग है इन, और ये रहा बच्चों आपका आउट, यानी कि घर के बाहर की पिक, ऊपर में लिखी हुई है ओ यू टी आउट, तो ये देखिए घर के बाहर की पिक, घर से जब आप देखोगे घर के बाहर जाके खड़ा होके तो आपका घर ऐसा दिखाई देगा, ये हो गया बच्चों आउट, इन आउट हो गया। लास्ट में और आपने क्या देखा था, अप एंड डाउन, यस ये वाला, ठीक है, ये देखो कैसे दोनों लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, बॉय करना खुश है ये है अप, गर्ल देखो नीचे है वो नीचे होकर के भी खुश है ये है डाउन। तो बच्चों आपने देख लिया, आई होप कि बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है उल्टा, जस्ट उल्टा, फ्रंट बैक, समझ में आया, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ओके बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो गए हैं, बस अब आपको क्या करना है, जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है यही आपके फाइनल एग्जाम यानी कि अभी फोर्थ जो एग्जाम होने वाला है एनुअल एग्जाम, इसमें आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, अब है सिर्फ रिविजन, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं हूं ही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर कैंपस केयर ऐप में मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूं ही आपका सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो ओके बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिविजन के साथ फिलहाल, ठीक है, ओके बच्चों बाय बाय, घर में रहिए सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल कीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर।